हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है टूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों, मैं जहर जतु विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे इफ फंक्शन के साथ डेट फार्मूला को आप किस तरह से यूज करेंगे। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक चार्ट हमने यहाँ पे बनाए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और आप जो है वो टेंडर आप लेते हो, तो उसके लिए आप क्या क्या फील्ड जो है वो नेसेसरी है आपके लिए मेंटेन करना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ फील्ड अपने मन से तैयार किए हैं। तो जैसे कि डेट ऑफ टेंडर, यहाँ पे आप क्या फील करेंगे, मतलब टेंडर जो है वो कब ओपन हुआ था। तो मान लीजिए टेंडर ओपनिंग डेट जो है वो है 11/10/2016, मतलब 2016 नवंबर 10 को टेंडर जो है वो ओपन हुआ था। और टेंडर का नेम जो है वो है रेलवे ब्रिज, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा टेंडर नेम। और इसी तरह से जैसे सबमिशन डेट, मतलब आपने ये जो टेंडर है वो आपने डाला कब है। मैं यहाँ पे सबमिशन डेट को ही वर्क ओपनिंग डेट मान के चलूँगा। अगर आप चाहे तो आप वर्क ओपनिंग डेट के लिए एक अलग सा कलम भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मान लीजिए सबमिशन डेट जो है वो है 11/16/2016 को आपने सबमिशन किए हैं, मतलब 10 नवंबर को ओपन हुआ था टेंडर और 16 नवंबर को आपने सबमिशन किए हैं। सबमिशन करने का बाद टेंडर आपको मिला या नहीं मिला, तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मिलेगा दो चॉइस, एक है गेट इन और दूसरा है गेट आउट। मतलब गेट इन अगर आप चूज करते हैं मतलब आपको टेंडर मिल चुका है, गेट आउट मतलब आपको टेंडर नहीं मिला। तो इस चॉइस में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो चॉइस हमने यहाँ पे रखे हैं, एक है गेट इन। तो मान लीजिए एक गेट इन हो चुका है, मतलब हमको टेंडर जो है वो मिल चुका है। और उसके बाद में आ रहा है टेंडर टर्म, मतलब कितने साल के लिए आपको ये टेंडर मिला है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है वो साल, मतलब कितने साल के लिए आपको टेंडर मिला है। तो मान लीजिए मुझे दो साल या तीन साल के लिए मिला है, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 हमने डाल दिया, तो 3 साल का जो टेंडर है वो यहाँ पे हमने लिख लिया 3। और उसके बाद में जब भी आप टैप यूज करेंगे तो आप देखेंगे 3 साल का जो डेट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लास्ट डेट ऑफ लिमिट जो है वो है November 16, 2019। मतलब 2016 को हमने सबमिट किया था और वही डेट मेरा वर्क ओपनिंग डेट है। और उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ लिमिट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके 11/16/2019 पे आ चुका है। और उसके बाद में आपको प्रोग्रेस जो है, मतलब इस टेंडर का प्रोग्रेस कितना तक हुआ है वो आपको मैन्युअली यहाँ पे टाइप करना है। और उसके बाद में टेंडर एक्सपायर्ड ऑन, ये जो फील्ड है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टेंडर जब भी टुडे, मतलब आज के डेट के साथ मैच हो जाएगा तब भी यहाँ पे दिखाएगा, मतलब ये जो टेंडर है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टुडेज डेट, मतलब आज का डेट क्या है, आज का डेट है November 16, 2018। अगर मैं इसको 2 साल कर देता हूँ तो आप देखेंगे आज के डेट के अनुसार ये जो टेंडर है वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो जब भी हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टेंडर एक्सपायर्ड ऑन जो है वो यहाँ पे एक्सपायर्ड दिखा रहा है। सो दोस्तों, इस तरह से वो टेंडर को कैलकुलेट करता जाएगा, वो आपको इन्फॉर्म करता जाएगा। तो इसमें और भी आप एडिशन कर सकते हैं, जो कि मेरे आने वाले वीडियोस में वो ऐड होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे और एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं इस डेट को थोड़ा सा ईयर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए 11/16/2003 हम यहाँ पे डाल देते हैं। 11/16/2003 को हमने जो टेंडर है वो ओपन किए थे और उसका जो टर्म है वो 2 ईयर्स का था। तो आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ लिमिट में 2005 कैलकुलेट हो चुका है। और टेंडर एक्सपायर्ड ऑन में आप देख सकते हैं आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, मतलब ए पास्ट वर्क है, मतलब ए बहुत साल पहले आपका जो टेंडर था वो एक्सपायर्ड हो चुका था और वही टेंडर आपने यहाँ पे डाले हैं, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, पास्ट वर्क। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे डेट को चेंज कर देते हैं, मतलब 2018 कर देते हैं, 11/16/2018 हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे 11/16/2018 को हमने वर्क ओपन किया था, वो टेंडर 2 साल के लिए चलेगा और उसका जो डेट ऑफ लास्ट लिमिट है वो है 11/16/2020 और प्रोग्रेस भी कुछ नहीं है और टेंडर एक्सपायर्ड ऑन जो है वो ब्लैंक है।
क्योंकि वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, क्योंकि आज के डेट के अनुसार आज चल रहा है November 16, 2018। सो उम्मीद है दोस्तों आपको डेमो समझ में आ चुका है। तो चलिए फटाफट से फॉर्मूला को करते हैं रिवील। तो चलिए शुरू करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों टुडेज डेट के लिए आपको जो फॉर्मूला डालना है वो है टुडे फॉर्मूला का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना है, सिंपल डालना है इक्वल्स टू और उसके बाद में देना है टुडे ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस और उसके बाद में सिंपल एंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो सिस्टम डेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, जैसे कि डेट ऑफ टेंडर वो तो आपको मैन्युअली डालना है, नेम ऑफ टेंडर भी मैन्युअली डालना है, सबमिट डेट भी आपको मैन्युअली डालना है, और यहाँ पे स्टेटस में जो हमने दिया था गेट इन और गेट आउट, ये दोनों को आपको डाटा वैलिडेशन के थ्रू आपको डालना है। अगर आपको डाटा वैलिडेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है या डाउट है तो आप मेरा जो एक्सेल प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है ऊपर में, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप डाटा वैलिडेशन का वीडियोस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको देना है टेंडर टर्म, वो भी आपको मैन्युअली डालना है। सो दोस्तों अब लास्ट डेट ऑफ लिमिट में आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इफ और डेट, दोनों फॉर्मूला को आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो लास्ट डेट ऑफ लिमिट है वो बेस किसके ऊपर है, बेस है टेंडर टर्म के ऊपर, मतलब टेंडर टर्म में जितने भी ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ रहेगा वो ईयर्स जो है वो ऐड हो जाएगा सबमिट डेट के साथ, मतलब एडिशन वाला फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप लॉजिकल फंक्शन भी यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब टेंडर टर्म में अगर कुछ भी ना हो तो यहाँ पे भी लास्ट डेट ऑफ लिमिट में भी कुछ भी ना आए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं इफ फॉर्मूला और साथ ही साथ डेट फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखेंगे इफ, यहाँ पे पहले हम लॉजिकल टेस्ट करेंगे इफ F7, मतलब ये जो टेंडर टर्म है नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब ये जो सेल है वो ब्लैंक नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है नंबर उस नंबर को ऐड करना है आपको यहाँ पे क्या सबमिट डेट में जो डेट है उसके साथ। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमा डालना है और उसके बाद में डेट का जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स आपको यहाँ पे पूरा का पूरा टाइप कर देना है, सिर्फ आपको ईयर में प्लस कराना है वो टेंडर टर्म को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट का जो सिंटेक्स है ईयर मंथ और डे, तो आपको लिखना है पहले ईयर और ईयर में देना है आपका D7, मतलब सबमिट डेट कहाँ पे है, D7 पे है, D7 के साथ प्लस हो जाएगा F7, मतलब टेंडर टर्म, मतलब टेंडर टर्म में जो टर्म दिया हुआ है वो ऐड होगा कहाँ पे, D7, मतलब D7 का जो ईयर है उसके साथ, और मंथ जो है वो एज इट इज रहेगा और डे भी एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर टेंडर टर्म ब्लैंक रहता है तो यहाँ पे भी वो ब्लैंक रहेगा। तो इस तरह से आपको निकालना है लास्ट डेट ऑफ लिमिट और उसके बाद में प्रोग्रेस तो आपको मैन्युअली डालना है। अब आ रहा है टेंडर एक्सपायर्ड ऑन। सो दोस्तों अब बारी है टेंडर एक्सपायर्ड ऑन। टेंडर एक्सपायर्ड ऑन में आप फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे, तो टेंडर एक्सपायर्ड ऑन में आप छोटा सा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए फॉर्मूला को थोड़ा सा लंबा किया हमने और यहाँ पे कुछ एडिशन भी हमने यहाँ पे किए हैं। तो उम्मीद है आप इस फॉर्मूला को छोटा जरूर कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं और समझ लेते हैं, मतलब टेंडर एक्सपायर्ड ऑन में जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है वो फॉर्मूला क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा लास्ट डेट ऑफ लिमिट में कोई कुछ भी डाटा है या नहीं है। अगर लास्ट डेट ऑफ लिमिट सेल जो है वो ब्लैंक रहता है तो यहाँ पे टेंडर एक्सपायर्ड ऑन भी ब्लैंक रहेगा। अगर लास्ट डेट ऑफ लिमिट में डाटा है, मतलब डेट है, तब जाके वो चेक करेगा पहले आज के डेट का जो ईयर है उसके साथ लास्ट डेट ऑफ लिमिट का जो ईयर है वो उसके नीचे है या मैच होता है। अगर उसके नीचे होता है, मतलब आज के डेट का जो ईयर है उसके नीचे, मतलब मान लीजिए आप अब चल रहा है कितना 2018 और डेट ऑफ लास्ट लिमिट निकला कितना 2016, तो अभी क्या हो जाएगा 2018 से नीचे है 2016, मतलब वो मेरा पास्ट ईयर है जो गुजर चुका है ऑलरेडी, वो अब कभी भी नहीं आने वाला है। तो अगर इस तरह का कैलकुलेशन आता है, मतलब लेस देन टुडेज डेट, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, पास्ट वर्क। लेकिन अगर आज के डेट के अनुसार ईयर मैच हो जाता है तो वो क्या दिखाएगा, एक्सपायर्ड दिखाएगा, मतलब आपका जो ईयर है और मंथ है और डे है सबको मिला के अगर वो मैच हो जाएगा आज के डेट के साथ तो वो यहाँ पे डिस्प्ले क्या करेगा, एक्सपायर्ड। लेकिन अगर आज के डेट के अनुसार लास्ट डेट ऑफ लिमिट का जो ईयर है वो अपकमिंग ईयर्स है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा। जब भी वो अपकमिंग ईयर्स टुडे के डेट के साथ मैच हो जाएगा तभी वो यहाँ पे एक्सपायर दिखाएगा। तो इसके लिए आप नर्वस मत होइए, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको दो कंडीशन में आपको चेक करना है। सो दोस्तों पहला कंडीशन में आपको चेक करना है डेट ऑफ लास्ट लिमिट में डाटा है या नहीं है, मतलब ब्लैंक है या ब्लैंक नहीं है।
तो यहाँ पे देना है इफ जी सेवन नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, देन वो चेक करेगा ईयर, ईयर यहाँ पे कौन सा ईयर लेगा, वो जी सेवन का ईयर लेगा, मतलब जी सेवन में यहाँ पे डेट आ चुका है। अब इस डेट का जो ईयर है वो लेस देन आज के डेट के साथ, आज के डेट के अनुसार वो मैच होता है या नहीं होता है। अगर मैच हो जाता है तो वो एक्सपायर दिखाएगा, अगर मैच नहीं होता है तो वो दिखाएगा ये पास्ट वर्क है, मेरा प्रीवियस वर्क है। और वो मैच किस तरह से कराएगा, अगर मैच होता है या नहीं होता है आज के डेट के अनुसार, तो यहाँ पे आपको डालना है इफ के साथ एंड को, क्योंकि यहाँ पे आपको तीनों ही मैच कराना है आज के डेट का। तो आज के डेट का जो सिंटेक्स है वो क्या है, ईयर है, मंथ है, डे है, ये तीनों के साथ आपका लास्ट डेट ऑफ लिमिट का जो डेट निकला उन तीनों को आपको मैच कराना है। इसलिए आपको इफ के साथ में क्या डालना है, एंड। तो इफ एंड डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना है ईयर, ईयर में देना है क्या, जी सेवन, तो जी सेवन इक्वल्स टू ईयर टूडे, मतलब आज के ईयर के साथ जी सेवन का जो ईयर है वो मैच हुआ है या नहीं है। अगर मैच हुआ है तो वो चेक करेगा मंथ, मंथ जी सेवन मतलब जी सेवन का जो डेट है उसके मंथ के अनुसार आज के डेट का जो मंथ है वो मैच हुआ है या नहीं है। अगर मैच होता है तो उसके बाद में वो चेक करेगा फिर से डे, मतलब जी सेवन का जो डे है वो आज के डेट के अनुसार, आज के डे के हिसाब से वो मैच हो रहा है या नहीं है। अगर मैच होता है तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, रिजल्ट एक्सपायर्ड। अगर मैच नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ईयर जो है वो मेरा प्रीवियस ईयर से मैच होता है, मतलब आज के डेट से नीचे है, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा पास्ट वर्क। तो ये जो फॉर्मूला है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको फॉर्मूला समझ में आ चुका है और इस फॉर्मूला को आप छोटा से छोटा बना सकते हैं। तो किस तरह से आप बनाएंगे, तो उसके लिए आप कोशिश जरूर कीजिएगा किस तरह से ये छोटा हो जाए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है उसको भी आपको यहाँ पे डालना है। अगर मैच नहीं होता है तो ब्लैंक रहेगा, जी सेवन भी अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक रहेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डालना है दो ब्लैंक कंडीशन और उसके बाद में सिंपल प्रेस करना है एंटर। और आप यहाँ पे देखेंगे टेंडर एक्सपायर्ड ऑन में कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि ये जो डेट है वो मेरा फ्यूचर डेट है। लेकिन अगर ये डेट मेरा पास्ट डेट होता है तो पास्ट वर्क आ जाएगा, और अगर आज के डेट के साथ मैच हो जाता है तो एक्सपायर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो दोस्तों ये जो फॉर्मूला आपने देखा अभी अभी, इस फॉर्मूला को आप ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसको किस तरह से आप छोटा बना सकते हैं वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर बन जाता है और आप कामयाब हो जाते हैं तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही बेसब्री से इंतजार है आपका फॉर्मूला सबमिट करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स पे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उस पर भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।